value of n for all value of n, the series will be convergent. The series will be convergent. Next, alternating series. Heading डालो. Alternating series. अल्टरनेटिंग सीरीज मतलब कि जो टर्म होंगे सीरीज के वो कैसे होंगे, प्लस माइनस इस तरीके से होंगे. ठीक है, तो लिखिए एन इनफाइनाइट सीरीज इन विच, एन इनफाइनाइट सीरीज इन विच द टर्म्स आर अल्टरनेटिवली, the terms are alternatively positive and negative, alternatively positive and negative is convergent if each term is numerically less than preceding term. And if the terms decrease indefinitely. Full stop. ठीक है, मतलब ये मान लो कि ये सीरीज जो है वो हमारा क्या है, अल्टरनेटिंग सीरीज है. अल्टरनेटिंग सीरीज बनेगा कि नहीं बनेगा? पहला टर्म क्या आएगा, माइनस वन मतलब कि यू वन प्लस यू टू माइनस यू थ्री प्लस यू फोर एंड सो ऑन, यही तो आएगा. ठीक है, तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज जो है ये कब कन्वर्ज करेगा. ठीक है, तो ये देखो यहां पे जो सिंबल है ना, मतलब ये जो साइन लिखा हुआ है इसको आपको इग्नोर करना है. ये साइन जो है सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सीरीज हमारी कैसी है, अल्टरनेटिंग सीरीज है. तो अल्टरनेटिंग सीरीज हमारा कन्वर्जेंट कब होगा, तो हर अगला वाला जो टर्म होना चाहिए, हर नेक्स्ट टर्म अपने पहले टर्म से छोटा होना चाहिए. अगर ऐसा है तो वो सीरीज जो होगी, वो अल्टरनेटिंग सीरीज जो होगी वो हमारी कन्वर्जेंट होगी. जैसे मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये अल्टरनेटिंग सीरीज हमारा कन्वर्जेंट होगा यदि हर अगला वाला टर्म अपने पहले टर्म से छोटा हो. फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस वन टू द पावर एन प्लस वन इंटू वन बाई टू के पावर एन. ठीक है, इसको एक्सपेंड करो, पहला टर्म क्या आएगा, वन बाई टू, फिर माइनस वन बाई टू स्क्वायर प्लस वन बाई टू पावर फोर क्यूब माइनस वन अपॉन टू पावर फोर एंड सो ऑन. ठीक है, अब आप ये बताओ कि हर नेक्स्ट टर्म जो है क्या अपने पहले टर्म से छोटा है, ये इससे छोटा है, और ये यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं देखना है, इग्नोर करना है उसे,
तो 1 बाई 2 क्यूब इज लेस देन 1 अपॉन 2 स्क्वायर। इस तरह से हम देख सकते हैं कि हर अगला टर्म जो है वो हमारा क्या है, पहले वाले टर्म से छोटा होना चाहिए, यानी कि डिक्रीज इनडेफिनेटली। मतलब कि ये सीरीज जो है ये हमारी क्या होगी, अल्टरनेटिंग सीरीज, सॉरी कन्वर्जेंट, अल्टरनेटिंग तो है ही, ठीक है, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट हो गई। यहां ब्रैकेट में लिख लो लेबनीज टेस्ट, लेबनीज टेस्ट। लेबनीज टेस्ट क्या कहता है, यहीं से फिर इसको मैं रिकॉल करवाता हूं कि अल्टरनेटिंग सीरीज माइनस वन टू द पावर एन प्लस वन यू एन इज कन्वर्जेंट इफ, अल्टरनेटिंग सीरीज हमारा जो है वो कन्वर्जेंट होगा यदि, पहली बात कि यू एन जो होना चाहिए वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होना चाहिए, दिस इज लेबनीज टेस्ट, ठीक है, और दूसरी, अब देखो ये डिक्रीज इनडेफिनेटली का मतलब ये हो ही गया कि वो जीरो पे जा रहा है, ठीक है, तो यहां पे दूसरी बात ये होनी चाहिए कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए वन, सॉरी यू एन की वैल्यू जीरो आनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है देन हम कह सकते हैं कि ये अल्टरनेटिंग सीरीज जो होगा वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। यूजिंग दिस यहां पे चेक कर लेते हैं, कंपेयर कर सकते हो, माइनस वन की पावर एन तो यू एन की वैल्यू क्या है, यू एन इज वन अपॉन टू के पावर एन, तो यू एन प्लस वन क्या होगा, वन अपॉन टू के पावर एन प्लस वन, ठीक है। अब ये बताओ ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, कैसे करोगे, डिवाइड करके चेक कर सकते हो, ठीक है, तो मान लो यू एन अपॉन यू एन प्लस वन कर दो, तो दिस इज इक्वल टू वन अपॉन टू के पावर एन इंटू टू के पावर एन प्लस वन, एन प्लस वन, ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन वन, सो यू एन इज ग्रेटर देन यू एन प्लस वन, पहली कंडीशन सेटिस्फाई, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। दूसरी बात ये कह रहा है कि आप यू एन जो है, यू एन एक्चुअल में क्या है, यू एन इज वन अपॉन टू के पावर एन, यही तो है यू एन, तो यहां से इस पे लगाना है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी देन यू एन इज इक्वल टू जीरो, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो यहां से हम कह सकते हैं कि सीरीज जो है, अल्टरनेटिंग सीरीज जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। तो अल्टरनेटिंग सीरीज की कन्वर्जेंसी बताने के लिए आपको लेबनीज टेस्ट का यूज कर सकते हो, ये जो लिखे हो ठीक ही है, आप एक काम करो यहां हेडिंग डालो लेबनीज टेस्ट, लेबनीज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज, रहने दो, ठीक तो है, क्या दिक्कत है, झूठ में काफी गंदा हो रहा है, लिखो उसमें लेबनीज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज, लेबनीज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज, एक मिनट का टाइम है ये सब लिखने के लिए। तो ये हमारा टेस्ट है, ठीक, और ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया, फोर्टी सेकेंड और मैं देख रहा था कि तुमसे अच्छा तो हम लिख ही लेते हैं। मेरी राइटिंग खराब थोड़ी ना है। क्या कह रहे हो, यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाते हैं तो अपना पढ़ाया हुआ जल्दी मैं मिटाता नहीं,
वहाँ पे वहाँ का बोर्ड जो है चूँकि इसका अभी दो गुना होगा ना आगे पूरा, तो पूरा बोर्ड भर जाता है, फिर उसके बाद से ख़त्म कहानी है आज की। हो गया एग्जाम्पल, ये लिख लो कैसे करना है, ये समझ में आना चाहिए। लेबनीज टेस्ट किस टाइप के सीरीज के लिए यूज करेंगे? अल्टरनेटिंग सीरीज। ओके, हो गया। चलो ओके, तो एक लाइन और लिखो, एरो बनाओ। एन इनफाइनाइट सीरीज हुज टर्म्स आर ऑल पॉजिटिव, एक मिनट लिखवाए हैं क्या ये, कैन नॉट ऑसिलेट, हो गया है ठीक है। कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी तो आपको आता ही है। लिखो डाइवर्जेंट टेस्ट, हो गया। अब वो लाइन छोड़ो और नीचे लिखो, एक एरो बनाओ और आप लिखिए फॉर एवरी कन्वर्जेंट सीरीज For every convergent series, sigma un limit n tending to infinity, un is equal to 0. ठीक है बात, ओके। फॉर एवरी कन्वर्जेंट सीरीज सिग्मा यूएन का मतलब ये हो गया कि यूएन सीरीज यूएन के लिए जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनेगा वो कन्वर्स कर रहा होगा, ठीक है ना, कन्वर्स कर रहा होगा। अच्छा, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये जरूरी होना चाहिए कि लिमिट यन टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए यूएन जीरो होना चाहिए, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। काउंटर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि आप ले लो यू सिग्मा यूएन इज इक्वल टू 1/n, ठीक है, ये देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n इज इक्वल टू 0, बट यहां पे देखो ये जो सीरीज हमारी है 1/n, ये कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, क्या है, डाइवर्जेंट, बिकॉज p इक्वल टू 1, तो दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, ओके, तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये जरूरी होना चाहिए कि un पे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी करने पे ये जीरो आ जाए, लेकिन लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un बराबर जीरो होना डजंट इंप्लाई कि वो सीरीज हमारा कन्वर्जेंट होगा। इसके लिए काउंटर एग्जाम्पल यहां पे मैंने बता दिया। ये मैंने चेक कैसे किया, पी सीरीज सिग्मा 1/n के पावर पी, दिस इज
कन्वर्जेंट पी ग्रेटर देन वन एंड डाइवर्जेंट पी लेस देन आर इक्वल टू वन। तुम लोग याद काहे नहीं रखते हो? ठीक है चलो अब इस पे नोट कर लो, इसको प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ लेट एस एन इज इक्वल टू यू, एस एन इज सम ऑफ एन टर्म्स, ओके। तो यू एन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस यू एन माइनस वन प्लस यू एन, एंड व्हाट इज एस एन माइनस वन? यू एन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस यू एन माइनस टू प्लस यू एन माइनस वन। ठीक है, देयरफोर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस सी एन माइनस एस एन माइनस वन। तो ये हो जाए, इसको लिख सकते हैं लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन माइनस लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन माइनस वन। दिस इज लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन। अगर सीरीज कन्वर्जेंट है, एस एन, एस एन इज व्हाट? एस एन इज सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम एंड एस एन माइनस वन इज ऑल्सो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। ये एन टर्म्स का सम है और ये एन माइनस वन टर्म्स का सम है। ठीक है, अब ये बताओ अगर सीरीज कन्वर्जेंट रही होगी तो सीक्वेंस का जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो कन्वर्ज करेगा, और अगर सीक्वेंस सॉरी तो ये भी हमारा सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है तो ये भी कन्वर्ज करेगा। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये कन्वर्ज करेगा उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये भी कन्वर्ज करेगा। अगर ये हमारी सीरीज है जिसको सब सीक्वेंस बोल सकते हैं, एक उसका कम हो गया। ठीक है, तो अगर कोई सीक्वेंस जो है वो एल पे कन्वर्ज कर रहा है तो उसके सारे ही सब सीक्वेंस किस पे कन्वर्ज करेंगे? एल पे ही कन्वर्ज करेंगे। तो दिस इज सपोज करो एस एंड दिस इज ऑल्सो एस एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। सो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन इज इक्वल टू जीरो। कन्वर्स यहां पे लिखना होगा, कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू। टेक जल्दी लिखो, टेक काउंटर एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल सिग्मा यू एन इज इक्वल टू सिग्मा वन अपॉन एन। हियर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन बाई एन इज इक्वल टू यू एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन इज इक्वल टू जीरो बट वन बाई एन इज डाइवर्जेंट। एन अपॉन एन प्लस वन बताओ कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? तुम बताओ, डाइवर्जेंट। तुम बताओ कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? कैसे डाइवर्जेंट? है? किसको भूल जाए? हाँ ठीक है, भूल जाओ तो फिर बचा क्या? एन अपॉन एन वन बच गया, फिर बोलना सही है। ऐसा नहीं है जो मैंने आपको बताया गलत है, बोलना सही है, बोलना चाहिए। मिटा दें ये, इसके नीचे लिखना क्या है उतना तो तुम लिख सकते हो। हाँ, इसका नगेशन क्या बनेगा? मतलब सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन इज इक्वल टू जीरो। दिस इज योर स्टेटमेंट।
नगेशन सॉरी कन्वर्स पार्ट इसका ट्रू नहीं है. काउंटर एग्जांपल, 1 अपॉन एन के पावर 1/3 नहीं ले सकते, 1 अपॉन एन के पावर 1/3 नहीं ले सकते. अरे ले लो भैया, ये ले लो ना, 1 अपॉन एन के पावर 1/2 ये ले लो. ए सीरीज भी हमारी क्या होगी, इसको भी काउंटर एग्जांपल ले सकते हैं. ठीक है, अच्छा नगेशन क्या बनेगा, नगेशन ये बनेगा नॉट लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन इज इक्वल टू जीरो. दिस इंप्लाइज दैट नॉट सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट. दिस इज योर नगेशन, दिस इज कन्वर्स पार्ट एंड दिस इज योर स्टेटमेंट. ओके, तो ये चेक करना है, ये चेक करना है. नॉट का क्या मतलब होगा, नॉट मतलब लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन नॉट इक्वल टू जीरो, यही तो हुआ, ये नॉट का मतलब यही तो है. नॉट ये, इसका मतलब इस पे लगाओ, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एन अपॉन एन प्लस वन इज व्हाट, वैल्यू कितनी आएगी, वन. क्या ये वन जीरो है, नहीं, तो दिस इज नॉट जीरो ना, तो नॉट जीरो इंप्लाइज नॉट कन्वर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट. ठीक है, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि ये ओवरऑल सीरीज जो है वो हमारी डाइवर्जेंट है. ठीक है, देखो थोड़ा भी अगर इधर उधर हुए तो फिर सब इधर उधर होने लगेगा. कोई भी डाउट हो तो पूछ लो. नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह सकते. अगर कन्वर्जेंट है तो हम कह सकते हैं कि हर हाल में लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए यू एन जीरो होगा. अगर कन्वर्जेंट है तो कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है. और कन्वर्स तो यही बनेगा कि जीरो है, कोई जरूरी नहीं है ये हो जाए. मे और मे नॉट बी का मतलब क्या है, हो भी सकता है और नहीं भी. अब किसी ने अगर कोई बंदा ये ले लिया तो ये भी तो ले सकता है, तो दिस इज ऑल्सो गोज टू जीरो एंड दिस इज कन्वर्जेंट. तो मे बी ये तो हो गया, कौन ये तो कन्वर्जेंट है ना, तो मैं याद ही नहीं है. पी ग्रेटर देन वन के लिए कन्वर्जेंट. ठीक है, हम इसे ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल. सिग्मा वन अपॉन एन स्क्वायर ले लो, इसके लिए ये हमारा यू एन जीरो हो रहा है एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए, लेकिन खुद सीरीज कैसा है, कन्वर्जेंट. तो ये हो गया हमारा मे बी. अब मे नॉट बी के लिए आप ये ले लो, 1/n के पावर 1000 ले लो, या ये ले लो सिंपली 1/n ले लो. ठीक है, कोई डाउट किसी को, जियोमेट्रिक सीरीज जो होती है वो आर लेस देन वन के लिए कन्वर्जेंट होती है और पी सीरीज पी ग्रेटर देन वन के लिए कन्वर्जेंट होती है. ठीक है, ओके. हेडिंग डालो कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट. अभी टेस्ट लिख लो, प्रूव करवा देंगे हम इसको. कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट. सपोज कर लो कि अभी लिखना मत, सिग्मा यू एन और सिग्मा वी एन हमारे पास दो पॉजिटिव टर्म के दो सीरीज हैं, मतलब दो पॉजिटिव टर्म वाले सीरीज दिए हुए हैं. ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट में इफ सिग्मा यू एन इज लेस देन आर इक्वल टू सिग्मा वी एन, ठीक है, देन
इफ सिग्मा वी एन इज कन्वर्जेंट, दिस इंप्लाइज दैट सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट. बड़ी वाली सीरीज अगर कन्वर्जेंट होती है तो छोटी वाली कन्वर्जेंट होगी. एंड इफ सिग्मा यू एन इज डाइवर्जेंट, दिस इंप्लाइज दैट सिग्मा वी एन इज डाइवर्जेंट. मतलब छोटी वाली सीरीज अगर डाइवर्जेंट होती है तो बड़ी वाली सीरीज डाइवर्जेंट होगी. बात समझ में आई? हमारे पास दो सीरीज है, सिग्मा यू एन और सिग्मा वी एन. इफ सिग्मा यू एन इज लेस देन आर इक्वल टू सिग्मा वी एन, अगर बड़ी वाली सीरीज हमारी कन्वर्जेंट हो गई, ये वाली सीरीज अगर कन्वर्जेंट हो गई, तो उस केस में हम कहेंगे कि छोटी वाली सीरीज कन्वर्जेंट होगी. छोटी वाली अगर डाइवर्जेंट हो गई तो बड़ी वाली डाइवर्जेंट हो जाएगी. ऐसे याद कर लो, ठीक है? याद हो गया? एग्जाम्पल इधर आओ. वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन, समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, दिस इज लेस देन आर इक्वल टू समेशन वन अपॉन एन स्क्वायर. नहीं, ठीक है? अच्छा, तो अब ये बताओ दिस इज कन्वर्जेंट और नॉट कन्वर्जेंट. तो बड़ी वाली सीरीज कन्वर्जेंट, तो छोटी वाली, इसीलिए तो मैं कहा था इस वन को भूल जाओ. वन को भूलने के लिए वाली बात तो मैं पहले ही बता चुका हूं, इस वन को भूल जाओ वही बच जाएगा. तो बड़ी वाली कन्वर्जेंट तो छोटी वाली कन्वर्जेंट, ठीक है? और भी बना सकते हो, समेशन एन अपॉन एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर, ठीक है? तो दिस सीरीज इज, ऐसे कर लो, प्लस वन, ठीक. तो दिस सीरीज इज लेस देन आर इक्वल टू समेशन एन अपॉन एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर, ठीक. एंड दिस सीरीज इज आल्सो लेस देन आर इक्वल टू एन अपॉन एन स्क्वायर, सॉरी एन क्यूब. मतलब कि ये है क्या, वन अपॉन एन स्क्वायर, यानी कि ये जो सीरीज यहां पे बची हुई है वो है हमारा वन अपॉन एन स्क्वायर. दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? कन्वर्जेंट. एंड दिस इज कन्वर्जेंट, सो दिस इज कन्वर्जेंट एंड दिस कन्वर्जेंट. देखो कितना आसान है मैथमेटिक्स, नहीं है? तो हो गया. अब ये बात लिख लो, उसके बाद से एग्जाम्पल और करवा देते हैं. लिखो, इफ सिग्मा वी एन एंड सिग्मा यू एन, इफ सिग्मा वी एन एंड सिग्मा यू एन आर टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, आर टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एंड सिग्मा वी एन इज कन्वर्जेंट एंड सिग्मा वी एन इज कन्वर्जेंट, then sigma u n is convergent, then sigma u n is convergent if sigma u n is less than or equal to sigma v n, sigma u n is less than or equal to sigma u n is less than or equal to sigma v n. हो गया? आगे फॉर ऑल, आगे लिख लेना, फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर एंड एंड सिग्मा यूएन इज डाइवर्जेंट, सिग्मा यूएन इज डाइवर्जेंट इफ सिग्मा वीएन इज डाइवर्जेंट.
इफ सिग्मा वी एन इज डाइवर्जेंट. हो गया, इफ सिग्मा वी एन इज डाइवर्जेंट एंड सिग्मा यू एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू सिग्मा वी एन, सिग्मा यू एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू सिग्मा वी एन फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर. ठीक है, पेज नंबर 212 निकालो जरा, पेज नंबर 212. इसका प्रूफ जो है वो अपने नोट्स में लिख लेना, ठीक है. दो तीन लाइन का है और बिल्कुल कठिन नहीं है, ठीक है. नहीं समझ में आएगा तो कल पूछ लेना, ओके. चलो अब देखो ये सीरीज जो एक एग्जांपल नोट कर लो इस पे, बाकी ये तो समझ ही रहे हो. चलो एग्जांपल लिखो. टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस द सीरीज, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस द सीरीज 1+1/2² 1/3³ 1/4⁴ एंड सो ऑन 1/n^n एंड सो ऑन. दिस इज योर क्वेश्चन. ठीक है, क्या ये अल्टरनेटिंग सीरीज है? नो. ठीक है ना, अल्टरनेटिंग सीरीज तो है नहीं. और कंपैरिजन टेस्ट, अभी आप पहला टेस्ट पढ़ रहे हो कंपैरिजन टेस्ट, इसके पहले लेबनीज पढ़े तो उसको भी भूल जाओ. लेबनीज टेस्ट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है. तो और बाकी जो भी टेस्ट आप पढ़ने वाले हैं वो सारे ही टेस्ट जो होंगे वो आपके पॉजिटिव टर्म के सीरीज के लिए एप्लीकेबल होंगे, ठीक है, ओके. क्लियरली सॉल्यूशन लिखो, नहीं समझ में आएगा पूछ लेना. क्लियरली n के पावर n इज ग्रेटर देन 2 के पावर n फॉर n ग्रेटर देन 2. सही है बात, n ग्रेटर देन 2 3 ले लो तो ये 27 हो गया और ये 8 हो गया, सही है. अब इसके आगे कोई भी लेके सेटिस्फाई करवा सकते हो, तो ये तो पक्की बात है कि n के पावर n इज ग्रेटर देन 2 के पावर n, ठीक. अच्छा अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो 1 अपॉन n के पावर n और 1/2 के पावर n में क्या रिलेशन होगा? लेस देन, तो दिस इज लेस देन, ओके. इट कैन बी रिटेन एज सिग्मा n इज इक्वल टू 3. n की वैल्यू 2 से बड़ी ले रही है, ध्यान से समझना. तो n इज इक्वल टू 3 टू इनफाइनाइट 1/n इज लेस देन सिग्मा n इज इक्वल टू 3 टू इनफाइनाइट 1/2 के पावर n. अब देखो जब हम n की वैल्यू 3 रखेंगे तभी तो हमें ये वैल्यू मिलेगी यहां से, यानी कि इसके आगे के सारे टर्म ही लिखे हुए हैं, है ना. अच्छा और यहां पे जरा देखो n इज इक्वल टू 3 से शुरुआत करेंगे तो ये पहला टर्म आएगा 1/8,
क्लियर है? अगर सीरीज में आपको पता है कि ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंट अगर होगी, ठीक है, अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसमें कुछ टर्म को हम अगर ऐड भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं n बराबर 1 टू इन्फिनिटी कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं। समझे? हाँ, नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें? आ रहा है तुम लोगों को? एक बार और बता दें, मैं ये कह रहा था कि n की वैल्यू 3 से बड़ी लेनी है, ठीक, 2 से बड़ी लेनी है, तो मैंने रख दिया बिल्कुल वैसे ही, ये दो सीरीज बन गया आपका। तो n की वैल्यू जब 3 लेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये तो हमारे पास आएगा नहीं, और ये जब लेंगे तो ये अगला टर्म के बाद क्या आएगा हमारा, 1/8 आएगा। और ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो उस सीरीज में से कुछ फाइनाइट नंबर आप टर्म को बाहर फेंक दो तब भी वो कन्वर्जेंट होगा, और कुछ और टर्म उसमें उसको दे दो तब भी कन्वर्जेंट रहेगा। तो इसमें से ये जो दो टर्म गायब है इनको दे दो, मतलब मैं इसको कर देता हूँ 1, तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर मैं इसको कर दूँ तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये प्रश्न पूछ सकते हो कि सर अब यहाँ पे तो n ग्रेटर देन 2 है, 2 के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 1 और 2 के लिए तो होगा नहीं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारी सीरीज अगर ये कन्वर्जेंट रही होगी तो इसमें हम दो टर्म ऐड कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। कौन सा ओवरऑल सीरीज? अब यहां से नहीं पता कर पाएंगे, ओवरऑल सीरीज जो होगा वो इससे छोटा होगा, इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा पहले, 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस 1/2, सॉरी दिस इज 3 एंड दिस इज 4, 1/5 टू दी पावर 5 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक जाएंगे। यहां पे लिख लो प्लस 1/n के पावर n, दिस इज लेस देन, ये क्या होगा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब 1/2 पावर 4 एंड सो ऑन, ठीक है। क्या हुआ है? नहीं, 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। चलो 1/2 ले लो, 1/2 से स्टार्ट हो जाएगा, तो ये सीरीज जो है वो इससे छोटी होगी, ठीक है ना। ये हमारा यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे तो मैंने सीरीज बनाया ही नहीं है, n की पावर n इज ग्रेटर देन 2 के पावर n फॉर n ग्रेटर देन 2। अगर n की वैल्यू 2 ले लोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा ना, इसलिए नहीं कर सकते, इसलिए 2 से हमें बढ़ा लेना है और फिर बाद में हम सीरीज में कुछ टर्म्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर मैं ऐड कर दूँ तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारी जियोमेट्रिक सीरीज है कि नहीं, कॉमन रेशियो लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1? लेस देन 1, तो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? तो ये सीरीज हो गया, इतना ही तो सोचना है, इतना सोच लिया करो बस, ठीक है। तो नीचे लिख सकते हो, सिंस सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/2 के पावर n इज जियोमेट्रिक सीरीज, विथ कॉमन रेशियो इज 1/2 विच इज लेस देन 1, एंड देन इट इज कन्वर्जेंट। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट
कोई समस्या किसी को? चलें आगे बिठाए। प्रूव दैट सीरीज दिस, ये आपके किताब में सीरीज नहीं मिलेगा, सीरीज दिस इज कन्वर्जेंट। ओके चलो एक काम करते हैं थोड़ा, चलो बताओ ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ, उसी के अनुसार मैं इसको बताता हूं। हो गया ये मिटाए मिटाए मिटाए। हाँ बोलो जरा। कैसे बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ। नहीं नहीं दिस इज रूट एक्स, बनाओ एक मिनट बनाओ। गलत है। हाँ बताओ बनाओ बनाओ बनाओ, बताना नहीं बनाओ। मैं बता रहा हूँ कि ग्राफ से कितना कुछ आप समझ सकते हो, मैं इसीलिए बताया था वो सब। गलत है, हे भगवान, क्या मेरी बातें तुम लोगों को समझ में नहीं आती हैं? बता दो तो फिर मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन फिर करूँगा। हैं देखें, गलत है। तुम अब तुम लोगों ने सही सही क्या किया मैं बता दूं। मैंने पूछा e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बताओ, तो तुम लोगों ने बस ये देखा कि उस दिन सर बताए थे कि कुछ ऐसा वैसा था, कोई मैथमेटिक्स लगाया ही नहीं। यहाँ पे लगाई हो मैथमेटिक्स? नहीं, वही सर उस दिन हाँ कुछ ऐसे था ऐसे था ऐसे कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। आप विजुलाइज करो ना, मैं सिर्फ रियल एनालिसिस आपको मैं नंबर के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये तो पहले ही मान लो तुम लोग कि नंबर हमें चाहिए 50 में 40 45, ये चीज़ सेकेंडरी है। पहली चीज़ ये है कि आप, मैं ये चाहता हूँ कि रियल एनालिसिस तुम लोग सीखो। सीखना और पढ़ना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर मैथमेटिक्स लगाए होते तो विजुलाइज हो गया होता। इफ यक्स गोज टू इन्फिनिटी देन दिस गोज टू जीरो, e to the power 0 is 1, this. Similarly, this. ये ग्राफ था। हाँ तब तो सही सही है, वेरी गुड। हम देखे ही कहाँ हैं। ओके तो ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा x स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है? y इज इक्वल टू x स्क्वायर, अपर साइड में जाएगा, इवन है। ओके अब पूछोगे आधा ही क्यों बनाया गया, पूछ सकते हो। यहां पे जो n होता है वो क्या होता है? जीरो तो होगा नहीं, और ये नेचुरल नंबर है। अगर जीरो हो गया तो वैल्यू कितनी आएगी? वन आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप जीरो ले सकते हो। लेकिन अगर आप यन, चूंकि जीरो तो हम ले ही नहीं सकते ना क्योंकि यन नेचुरल नंबर है, तो यन ग्रेटर देन जीरो ले सकते हैं। मतलब कि एक्स ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि एक्स ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कोई समस्या? अब देखो तुम्हें करना क्या है, जो ग्राफ देखना है ना वो सिर्फ ये देखना है, ध्यान से देखना। ये देखो ये देखो और ये देखो, बस इतना देखना है, ठीक है? बाकी को मिटा देते हैं।
ये ग्राफ है। अब ये बताओ, ये हमारा एक्स स्क्वायर है और ये हमारा ई टू डी पावर माइनस एन स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है। अब आप ये बताओ कि ई टू डी पावर माइनस एन स्क्वायर और एन स्क्वायर दोनों में क्या रिलेशन होगा, लेस देन या ग्रेटर देन? ये देखो, सपोज करो कि ये पॉइंट हमारा वन है, सपोज करो कि ये पॉइंट हमारा वन है, तो वन के करेस्पॉन्डिंग एक्स स्क्वायर पे ये वैल्यू मिलेगी। एक एक चीज समझो, वन पे एक्स स्क्वायर के लिए फंक्शन की वैल्यू ये मिलेगी और इसके लिए ये मिलेगी, इस वाले पे ये ई टू डी पावर माइनस एक्स स्क्वायर पे। तो ये बताओ, ये वाली वैल्यू बड़ी है या ये वाली वैल्यू बड़ी है? अरे सपोज करो कि हाई वाला जो पॉइंट हुआ है ये टू है और ये हाई फोर है, ठीक है, ये टू है और ये फोर है, तो ये तो यहां पे आएगा, तो ये टू से तो बड़ा ही है, ये टू है तो ये टू से बड़ा है, तो ये पॉइंट जो होगा वो इससे बड़ा होगा कि नहीं? तो एक पॉइंट के लिए हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ई टू डी पावर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर में कौन छोटा होगा? छोटा कौन होगा? ये वाला ना छोटा होगा, और ये तो बड़ा ही है, ऊपर है, इसका मतलब ये हो गया कि इनमें रिलेशन क्या आया, दिस इज ग्रेटर देन या लेस देन? दिस इज क्या यहां पे पहले तो ये देखो ना, ये जो है यहां पे एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है वो ये है हमारा यहां तक, ठीक है, और ई टू डी पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमारा ये है। अच्छा, तो एक काम कर लेते हैं, एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी के लिए, वहां से फिर छोटा हो रहा है ना, e टू डी पावर माइनस एन स्क्वायर ये जीरो की तरफ जा रहा है और वो हमारा इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। यहां से तो हम सब ये तो कह सकते हैं, यहां से हाँ जहां पे कट कर रहा है वहां पर सही हो रहा है। ओके, नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, ए टू डी पावर माइनस एन स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e टू डी पावर एन स्क्वायर। ये बनेगा, तो अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसा हो जाएगा, तो ये कन्वर्जेंट, तो ये कन्वर्जेंट, वन अपॉन एन स्क्वायर, ठीक तो है, क्या दिक्कत है? ठीक है ना, ये सही है। एक मिनट, मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया है। गलती क्या है मैं बता देता हूँ आपको, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इसका ग्राफ बना लिया है, वही तो मैं सोच रहा था, गलत तो हो नहीं सकता। ये देखो जरा, किसकी क्लास है अभी? फिजिक्स केमिस्ट्री, ओके, जरा यहाँ देखो, e टू डी पावर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बताओ, सिर्फ पॉजिटिव के लिए, तो x गोज टू इन्फिनिटी देन e टू डी पावर इन्फिनिटी, आ रहा हूँ मैं दो मिनट में, x गोज टू इन्फिनिटी देन e टू डी पावर इन्फिनिटी, सो e टू डी पावर जीरो इज वन, दिस, तो ये हमारा क्या होगा, ऊपर की तरह ऐसे भागेगा, ठीक। अच्छा,
अब देखो, अब हमें बनाना है एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो जब एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे तो ऐसे भागेगा, भागेगा। तो ये किसका ग्राफ है? e टू द पावर एक्स स्क्वायर का, और ये एक्स स्क्वायर का। अब बताओ कौन छोटा कौन बड़ा? एक्स स्क्वायर इज लेस देन e टू द पावर एक्स स्क्वायर, मतलब कि एन स्क्वायर इज लेस देन e टू द पावर एन स्क्वायर, मतलब कि 1 अपॉन e टू द पावर एन स्क्वायर इज लेस देन 1 अपॉन एन स्क्वायर, मतलब कि e टू द पावर माइनस एन स्क्वायर इज लेस देन 1 अपॉन एन स्क्वायर, मतलब कि समेशन e टू द पावर माइनस एन स्क्वायर इज लेस देन समेशन 1 अपॉन एन स्क्वायर। दिस सीरीज इज पी सीरीज, व्हेन पी ग्रेटर देन 1 दिस इज कन्वर्जेंट, बड़ी वाली सीरीज कन्वर्जेंट, सो दिस इज कन्वर्जेंट, सो दिस इज कन्वर्जेंट। वही तो मैं कह रहा था ग्राफ से कैसे गलत हो गया, ठीक है। तो e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए था शुरू में डायरेक्ट। तो ये ग्राफिकली आपका, अब कल वाली क्लास में आप देखेंगे कि लॉग वाले क्वेश्चन को कैसे ग्राफ से हम ये पता लगाएंगे कि छोटा और बड़ा क्या है। लॉग एक्स का ग्राफ याद रखना ये होता है, दिस इज लॉग एक्स, ठीक है। बाकी किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। और ग्राफ और आप थोड़ा याद कर लिया करो, इसको बंद करो। हो तो गया प्रूफ।